भारत ऐसा देश है जहां पर बचपन से ही बच्चे भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की कहानियां सुनते हुए बड़े होते हैं, और इसीलिए शायद हमारे देश के बच्चों से लेकर जवानों तक भारतीय सेना में जाने का जो जुनून है वो देखते ही बनता है, सबसे बिल्कुल अलग है। और आज हम हैं अजमेर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बाहर, जहाँ पूरे देश भर के लेवल के हुए एग्ज़ाम में पास हुए बच्चों का भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए इंटरव्यू शेड्यूल था। और अभी हम बात करेंगे मंगलम स्कूल गुढ़ा के उन 21 बच्चों से जिनका आज इंटरव्यू हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इतनी छोटी सी उम्र में भारतीय सेना में जाने का, अधिकारी बनने का और इस देश को सर्व करने का सपना देखा, कैसे उन्होंने तैयारी करी और आज उनका इंटरव्यू कैसा रहा। बच्चों स्वागत है आपका, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू आज बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं पाली राजस्थान से हूँ। पाली से यहाँ पे हैं। तो आपका इंटरव्यू आज जो आपने दिया, एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू आपका कैसा रहा, क्या पूछा गया, किस तरीके की बातें हुई? इंटरव्यू में हमसे ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए और हमें इंट्रोडक्शन पूछा और हमारे ज़िले के बारे में पूछा। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है इसके हिसाब से रिजल्ट क्या होगा? मेरा जैसा इंटरव्यू है उसके हिसाब से मेरा फाइनल लिस्ट में पक्का नंबर आएगा। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप मंगलम स्कूल में पढ़े हैं, आप तो आप पाली से गुढ़ा आए हैं पढ़ने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आपने जो एग्ज़ाम क्लियर करा, फिर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा करा, तो आपकी स्कूल की कितनी भूमिका है आपको तैयार करने में? स्कूल की बहुत अच्छी भूमिका रही, टीचर वार्डन बहुत अच्छे सहयोग किया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत बड़ी कड़ी मेहनत के फल से हमें ये मुकाम मिला है। बहुत अच्छी बात है। दोस्त आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मेरा नाम भावी सिंह जादौन है, मैं 6th क्लास में हूँ और मैं श्योपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आप राजस्थान पढ़ने आए हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने इंटरव्यू दिया, कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। सिलेक्शन होगा? हाँ, मेरे हिसाब से हाँ। अच्छा, स्कूल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मध्य प्रदेश से राजस्थान के एक छोटे से कस्बे गुढ़ा गोड़जी के स्कूल में पढ़ने आए? मंगलम स्कूल में सारे वार्डन्स अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से हर चीज़ सिखाते हैं, टीचर भी अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे तरीके से सिखाते हैं, मैथ में सिंपल सिंपल मतलब फॉर्मूलों से सिखाते हैं। यस, बिल्कुल, एक टीचर के पढ़ाने के तरीके पे ही निर्भर करता है कि बच्चा कितनी आसानी से चीज़ों को सीख सकता है। और ऐसे ही शिक्षक मंगलम स्कूल गुढ़ा में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। हमें बताया गया है कि मंगलम स्कूल गुढ़ा में भारत के 16 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं पाली से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से काफ़ी बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सबको भारतीय सेना में जाना है, अधिकारी बनना है और अपने गांव ढाणी का नाम रोशन करना है। आप बताएं अपनी तैयारी के बारे में, अपने इंटरव्यू के बारे में, सबसे पहले अपना नाम और जगह बताएं, आप कहां के रहने वाले? मेरा नाम राजदेव है, मैं सिक्कर का रहने वाला हूं और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। अच्छा, स्कूल का क्या अच्छा लगता है आपको, कि क्या अच्छी सबसे अच्छी बात है स्कूल में आपके? स्कूल में खाना अच्छा मिलता है, टीचर अच्छे होते हैं और वार्डन अंकल भी अच्छे होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच एक बालिका भी है, आप यहाँ आए, आपका नाम बताएं, कहाँ की आप रहने वाली हैं? मेरा नाम रागनी है, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। बिहार से? बिहार से आप सभी जानते हैं IAS बहुत सारे होते हैं, और वहीं से गुढ़ा गोड़जी एक पढ़ने छोटी सी बच्ची आई है ताकि वो भारतीय सेना में जा सके। आपको भारतीय सेना में क्यों जाना है? सॉरी, मेरे को भारतीय सेना में नहीं, IAS बनना है मेरे को। आपको IAS बनना है, तो आप IAS बनकर आप क्या करना चाहती हैं? मैं कानून का, इस देश के कानून और व्यवस्था को एक जगह रहना चाहती हूँ और करप्शन मिटाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया विचार है आपके। आपका स्कूल कैसे आपको मोटिवेट करता है कि आप लगातार पढ़ाई करें, लगातार तैयारी करें और आपका IAS बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकें? हमारे स्कूल के टीचर्स जो पुराने बच्चों को एग्जाम्पल दे के हमें मोटिवेट करते हैं। ओके, और कुछ ऐसा है जो आप अपने स्कूल के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में आप हमें बताना चाहें, क्योंकि इस वक्त इस इंटरव्यू को हो सकता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हों जो भी आगे बढ़कर, बड़े होकर IAS बनना चाहते हों या भारतीय सेना में जाना चाहते हों, तो उन्हें शायद इससे सहायता मिलेगी। मंगलम स्कूल की ये एक बात अच्छी है कि वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और जो वहाँ के केयर टेकर्स हैं उनका, उन्हें हमें संभालने का तरीका बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, थैंक यू रागिनी। मतलब जितने भी बच्चों से अभी तक हमने बात करी है, सभी का ये कहना है कि मंगलम स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, क्योंकि बच्चों को जब से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनके रहने का, उनके सारी व्यवस्थाएँ जब ठीक होती है तो बच्चे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जैसे अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं तो जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं? ओके, सारे बच्चे भारतीय सेना वाले हैं। रागिनी है जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, वेरी गुड। आप बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम वर्षा यादव है। वर्षा, आप बताएं कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। आप भी भारतीय सेना में ऑफिसर बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स किस तरीके से देखते हैं आपको जब आप उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में बताते हैं कि आपको भारतीय सेना में जाना है, कंट्री को सर्व करना है? मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स का बताते हैं। वेरी गुड, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम कनिष्का शर्मा और मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। बिल्कुल, तो इंडियन जो आर्मी है उसके बारे में क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? क्योंकि हमारे स्कूल में एक बार इंडियन आर्मी से एक सर आए थे, हमारे सर के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी हमको बताई थी, तो उससे हम लोग मोटिवेट हुए, तो मैंने भी सोचा इंडियन आर्मी में जाने के लिए। बिल्कुल, यही वो मूमेंट्स होते हैं जब आप अपने जीवन का लक्ष्य साधते हैं, आप उसके ऊपर चल पड़ते हैं और कड़ी मेहनत के बाद अपने गुरुजनों की कड़ी मेहनत के बाद में उनकी मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भारतीय सेना में जाने के अपने सपने को पूरा करेंगे और रागिनी आप एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बनके आप इस देश की सेवा करेंगी। अभी कुछ और बच्चे आ जाते हैं, इसके बाद हम उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम मोहित है, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो सोच के आए थे, आप जिस तरीके का स्कूल सोच के आए थे, आपका स्कूल वैसा रहा? वहाँ पे कैसा अनुभव आपका था? हाँ, स्कूल वैसा ही है, सब अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं और पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। तो आपने जो इंटरव्यू आज दिया है कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्या पूछा गया आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया और मैथ्स इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए। क्या लगता है इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है? नहीं, ठीक ठाक होता है, मीडियम। अच्छा, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। ओके, और इंटरव्यू आपका कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू बढ़िया रहा। ओके, तो बड़े होकर आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है? हाँ। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है इंडियन आर्मी के बारे में? इंडियन आर्मी डिसिप्लिन, उनकी यूनिफॉर्म, जब वो जाते हैं तो सब उनको सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल, आपने डिसिप्लिन की बात करी, तो आपके स्कूल जहाँ पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्कूल कैसा है डिसिप्लिन के मामले में? मेरा स्कूल बहुत अच्छा है डिसिप्लिन के मामले में, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और सर भी, और खाना बनाने वाले अंकल सब बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आपका जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो क्या रहता है सुबह से लेकर रात तक? हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 से 5:30 तक हम फ्रेश नहा लेते हैं, फिर उसके बाद में 5:30 से 7:30 तक पेपर लगता है हमारा, 7:30 से 11 बजे या 12 बजे तक हम क्लास लगती हैं, फिर 12:30 या 12 से 2 बजे तक या 1 बजे तक हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद में 1 बजे से 3:30 तक क्लास, 3:30 से 4 तक नाश्ता, फिर 4:30 से क्लास लगती है, फिर से 7 बजे तक क्लास लगती है, फिर 7:30 से 7:30 तक खाना, फिर 7:30 से 10 बजे तक क्लास लगती है, फिर सो जाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी टाइट शेड्यूल है, बहुत सारे समय आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और शायद तभी जाकर इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप उनको क्रैक कर पाते हैं। आप बताएं दोस्त अपने बारे में, आपका इंटरव्यू कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जदित है और मैं हरियाणा से हूँ। बहुत बढ़िया, तो आपको क्या लगता है आप जो सोच कर इस स्कूल में आए थे वो लक्ष्य आप पा रहे हैं? हाँ, पा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ इन बच्चों के अभिभावक हैं जो भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और उनके माता पिता के सहयोग से, उनके सपोर्ट से और उनके मार्गदर्शन में ही वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं कि आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उनका इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम पहले ही वो सेलेक्ट हो चुके हैं उसमें।
तो सर आप बताएं कि आपका बच्चा जो है, आपने उसको यहाँ पे एडमिशन दिलाया, स्कूल में एग्ज़ाम क्लियर करा, इंटरव्यू हुआ, आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है? बहुत वही अच्छा रहा, जैसे पढ़ने में हमारी लड़की पहले से भी ठीक थी और इधर मंगलम स्कूल में आई तो मतलब बहुत सुधार हुआ, उससे भी अच्छा। बाकी मैं उससे पहले जयपुर पढ़ा रहा था, S2S एकेडमी था, तो उस समय फिर कोरोना फैल गया तो स्कूलें बंद हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि 10 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई होगा, लेकिन वो 2 घंटे भी नहीं कर पाते थे, तो इससे बच्चों को निकालना मुश्किल हो जाना था। फिर हमने सोचा कि कोई अच्छे जगह डालें, तो कुछ लड़के बताए थे कि मंगला में स्कूल है, तो फिर एक मेरे पास एक कैलेंडर भी टांगा हुआ था, तो उसको देख के नंबर से कॉल किया सर के पास। फिर मैं बच्चे को लेकर गया स्कूल में, देखा उधर घूम घाम के हॉस्टल वगैरह कैसा है, फिर उसमें एडमिशन कराया, फिर बच्चों को एडमिशन कराया तो देखा कि बहुत अच्छा स्कूल है। चलिए, ये स्कूल अच्छा रहा। आपके बच्चे ने कब ये सोचा कि उसे भारतीय सेना में जाना है, अधिकारी बनना है, कंट्री को सर्व करना है, और आपने कैसे उसे सपोर्ट किया? मेरा लगता जैसे मैं ओवर में हूँ अभी फौज में, तो मैं अभी शुरू से प्रण करके रखा था कि बच्चों को इसमें नहीं आने दूँगा, कि कोई अफसर रैंक में ही भेजूँगा मैं, तो बच्चों को मैं गाइड कर रहा था, तो बच्चों को वही गाइड के ऊपर ध्यान दिया, तो बोलते हैं कि हाँ मुझे उसी में जाना है, तो इसलिए एडमिशन करा दिया। बिल्कुल, तो अभी जिस तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम उनका हुआ, इंटरव्यू हुआ है, तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे यहीं से अपने जीवन को जो लक्ष्य लेकर चले थे उसे पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है अभी तक तो मतलब उसके अनुसार बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो आपने सोचा था, जो आपके बच्चे ने सोचा था, वो जब पूरा होते देखते हैं तो कैसा फील होता है आपको? बहुत दिल गदगद हो जाता है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर है सब करना, अभी क्या बताएं, अभी सब माता की कृपा है, देखिए बाकी बच्चों के मेहनत के ऊपर है। थैंक यू सर, आप बताएं अपने अनुभव के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, उसकी अभी तक की एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू हुआ उसके बारे में। सर मेरा भतीजा है और थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा था, साल भर हो गई कि पहले तो मालूम नहीं था स्कूल का, और फिर अच्छे नंबर आए हैं, और बाकी देखो बाकी रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हमने आज मंगलम स्कूल के उन बच्चों से बात करी जिनका इंटरव्यू होना था, हमने उनके अभिभावकों से बात करी, उनके अनुभव हमने जाने, उनके रिजल्ट्स, उनके एग्ज़ाम्स, स्कूल में किस तरीके से तैयारी कराते हैं, उस सब के बारे में हमने बात करी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी भारतीय सेना में जाए, या इस तरीके से एक बड़ा ऑफिसर बनाने का आप उसके बारे में सोचते हैं, तो ज़रूरी है कि आप छोटी उम्र से ही उसके ऊपर ध्यान दें, उसे अपने बच्चे के जीवन का लक्ष्य बनाएं, ताकि कड़ी मेहनत करके वो अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने माता पिता को यानी आपको गौरवान्वित महसूस करवा सके। अगर इस स्कूल के बारे में आप भी कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप संपर्क कर बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।